आज हम G71 की साइकिल का प्रैक्टिकल करेंगे, स्टॉक रिमूवल टर्निंग। 66.2 mm बाहर पे रोक लिया, इसके बाद 71 G71.5 का कट लगाएंगे और रिट्रैक्शन 1 mm का। नंबर ऑफ स्टार्ट ब्लॉक 10, नंबर ऑफ लास्ट ब्लॉक 20, फिनिशिंग अलाउंस U और W में छोड़ दिया। इसके बाद 46 2 mm बाहर रोका, फिर हमने 46 पे टच किया Z0, फिर 2 mm का चैम्फर लगाया 50 और Z-2 45 के एंगल पे। इसके बाद 50 8 mm तक हमने कट लगाया, 50 mm का डाया बनाया, फिर यहाँ पे टेपर लगा है 14 mm तक 50 से 60 का डाया पे। फिर उसके बाद फिर स्ट्रेट टर्निंग हुई 60 mm तक, 60 mm डाया पे 22 mm लेंथ तक, फिर यहाँ पे टेपर लगा है, फिर उसके बाद G70 फिनिशिंग साइकिल, इसके बाद फुटर। प्रैक्टिकली हम देखेंगे कैसे हम Mm डाया से 60 mm डाया तक 0.5 का कट लग के बनेगा और 24 mm लेने से 22 mm कटिंग होगी, जिससे 2 mm लेने तक का टेपर छूटते जाएगा। देखिए 0.5 का कट लगा, टेपर छूटते जा रहा है, लास्ट में 24 mm लेंथ से 22 mm लेंथ तक का पेपर छूट रहा है, छोड़ रही है लास्ट में 0.5 का कट लगते जा रहा है और 60 mm का डाया बनेगा। देखिए 60 mm का डाया से बन गया, 60 mm डाया से 50 mm का डाया बनाएगी टेपर के साथ। टेपर 14 mm से 8 mm लेंथ तक टेपर बनेगा। देखिए ये कट लगते जा रहा है और टेपर के लिए छूटते जा रहा है मेटल। ये 60 mm डाया से 50 mm का डाया मशीन बना रही है, 0.5 का कट लेके। देखिए 0.5 का कट लगा, फिर अगेन 0.5 का कट लगा, ये कट लगा, कट बार बार 0.5 का कट लगता जाएगा जो हमने यू में वैल्यू दी है, और ये डाया हमारा 50 mm का हो जाएगा। और ऊपर का डाया जो है 60 mm का था, और ऊपर की लेंथ जो है 14 है और नीचे वाले की लेंथ हो गई 8। 0.5 का कट और लगा, आप देखिए चैम्फर लग रहा है 0.2 का, चैम्फर बना चैम्फर लगने के बाद ये मेटल को रिमूव करेगा पूरी प्रोफाइल। इसके बाद G70 साइकिल चल रही है, देखिए G70 साइकिल, देखो ये टेपर लगाया 50 से 60 वाले डाया पे, इसके बाद स्ट्रेट चल रहा है, फिर 60 से 64 पे टेपर लगा और ये साइकिल हुई।